अबुका किचन में आज हम महाराष्ट्र की फेमस साउची चिकन करी बनाएंगे। ये जितनी बढ़िया दिख रही है खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर एक नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साउची चिकन करी। सबसे पहले ग्रेवी के लिए मसाला रेडी करते हैं। एक फ्राई पैन में 4 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच चना दाल, 1 बड़ा चम्मच तिल, 2 बड़े चम्मच राइस ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। दो से तीन मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद स्पाइसेस ऐड करते हैं। 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 लविंग, 4 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 10 से 12 मरीदाना, 2 छोटे चम्मच जीरा और 1.5 छोटा चम्मच शाही जीरा ऐड करेंगे। 2 से 3 टुकड़े छोटे जायफल के और 3 से 4 टुकड़े छोटे तज के ऐड करेंगे और इसे भी ड्राई रोस्ट करेंगे। सारे मसाले 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट करने के बाद 3 बड़े चम्मच सूखा कोपरा ऐड करेंगे, 5 से 6 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे और इसे भी 3 से 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे। मीडियम साइज की प्याज का बिरस्ता ऐड करेंगे। और 4 से 5 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करके इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट रेडी है, अब हम चिकन बनाएंगे। एक कढ़ाई में 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे और 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई हो जाने के बाद 1/2 किलो चिकन ऐड करेंगे। दो से तीन मिनट के लिए चिकन का कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करना है। चिकन का कलर चेंज हो गया है, बाकी के मसाले ऐड करते हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और 1.5 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। सारे मसाले को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे 3 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। चिकन को मसाले के साथ हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद 2 बड़े चम्मच जितनी हमने जो पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे।
अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। चिकन को हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद 1 कप पानी ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर चिकन को खोने तक पकाएंगे। चिकन अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच जितना हरा धनिया ऐड करेंगे। साउजी चिकन करी रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे गर्मा गर्म नान या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये साउजी चिकन करी की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।